अच्छा, मैं आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ वीडियो के अंदर, आपने वीडियो देखनी है, मुझे बताना कि वो गाड़ी आपको कैसी लगी। महिंद्रा XUV 700, बहुत सॉफ्ट है यार, इधर लेदर ना, पूरा अंदर ये लेदर है यार। फर्स्ट लुक तो अच्छी है, अब आगे देखें। क्या लगता है आपको इसकी प्राइस कितनी हो? यार मेरे ख्याल से तो कोई 80 तक होगी। 80 लाख? हाँ ना। 13 लाख? नहीं यार, गाड़ी तो ले लेंगे, पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे, ईद की दुकान निकालेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद। तो आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अपने इंडिया के अंदर एक गाड़ी न्यू लॉन्च हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, XUV 700 महिंद्रा। तो उसी को लेकर पाकिस्तानियों के रिएक्शन आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ियाँ मिलती हैं, हमारे यहाँ पे तो बहुत ही सस्ती गाड़ियाँ हैं। तो उसी को लेकर पाकिस्तान की पब्लिक के रिएक्शन है कि उस गाड़ी को देखकर वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चीज़ चलती है। वो एक लग्जरी गाड़ी बता रहे हैं, बहुत कुछ मतलब उनकी ड्रीम कार है वो, पर ले नहीं पाते हैं। तो उसी के लिए अब उनके रिएक्शन लेते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुक बना के कि आपकी आईज को कंफर्टेबल मिले और मुझे कैचिंग हो, आई कैचिंग हो, बहुत खूबसूरत है यार। क्या मतलब महिंद्रा ने लाजवाब कर दिया, कमाल कर दिया यार, बहुत गाड़ी जैसी लग रही है यार। मुझे तो ये फॉर्च्यूनर टाइप नहीं, फॉर्च्यूनर भी छोटी है इसके मुकाबले, मुझे लग रहा है। मतलब यार बड़ी से लैंड क्रूजर है, लैंड क्रूजर टाइप, लेकिन इसका जो अंदर साइज है, काफी मैं दुबई रह के हूं 5-6 साल, वहां मैं हर गाड़ी में घूमा हूं। ये गाड़ी तो लक्ज़रियस टाइप लग रही है मुझे, लक्ज़रियस गाड़ी है जी। ये देखिए ना, इसका बाहर से देखिए, कमाल है यार ये। मुझे बाहर से सारी ना किया स्पोर्टेज यहाँ, इसकी फॉर्च्यूनर टाइप लुक लग रही है इसकी, मतलब किया स्पोर्टेज और फॉर्च्यूनर का ये हाइब्रिड है, ये भी लग रहा है। वाओ, कितने की होगी? तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5 करोड़ तक होगी, मतलब 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? 13 लाख? नहीं सर जी, 13 लाख कसम से, कसम से। बस हवा निकल गई यार, मैं मान ही नहीं सकता भाई। इंडिया में जली ना, तेरी भी जली ना। यहाँ पे इस वक्त 70 से 80 लाख रुपए की मिलती है, और आपके ये इंडिया वालों ने गाड़ी बनाई है, मैं पाकिस्तानी 26-27 लाख की होगी, तो बहुत खूबसूरत है। आप गॉड गिफ्टेड हो गए, वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड है, और आपको ऑनेस्टी से, लेकिन पाकिस्तान में 26 से 30 लाख रुपए की मिलेगी थोड़ी, आप उसके ऊपर 400% टैक्स लगाए ना। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ पाकिस्तान में, तो मैंने फिर मेरा आइडिया ठीक नहीं है, तो बात तो वही, लेकिन इंडिया में वो इतनी सस्ती है। सर जी देखे हैं कि मैं वही जो है हुक्मरान, और वही मुल्क कामयाब होता है जो अपनी आवाम को रिलीफ देते, इंडिया वाले रिलीफ देते बहुत देते हैं यार। ना मैं सही बात पे, मैं इंडिया में दुबई रह के आया हूँ, आपको सच बताऊंगा, मेरा रूम पार्टनर इंडियन था, मैं उससे पूछा, मतलब उनके साथ पंगे शंगे नहीं होते कि यार आप पाकिस्तानी हो इंडियन? नहीं नहीं कसम से यार, हम तो इतने प्यार से रहते हैं। ये की आखिर इमेज बनाई गई है कि भाई पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो इकट्ठे नहीं रहते। मेरी बात सुने, वो इमेज इसलिए बनाई गई, देखिए हमारा मुल्क जो किस बात पे लदा हुआ था, कलमे के नाम, कलमा और नजरिया के ऊपर, आपका नजरिया कि आप लोग गाय की या हिंदुइज्म में गाय की इबादत करते हैं, वो इनका फेल है, हम लोग उसकी कुर्बानी करते हैं, हमारा फेल है। अगर हम अपने मुल्क को इस हद तक भी रखते तो इंडिया भी कामयाब होता और हम भी कामयाब, लेकिन अब देखना इंडिया तो कामयाब हो गया, लेकिन हमने 13 लाख रुपए की ऐसी कमाल की एसयूवी गाड़ी महिंद्रा ने निकाली। सर जी मैं तो यही कहूंगा कि वहाँ पे जो लोग है ना वो ऑनेस्ट है, पाकिस्तान में ऑनेस्टी, वो ऑनेस्ट है पाकिस्तान में, क्या बोलता हूँ कौन ऑनेस्ट है। अंदर गाड़ियाँ इतनी सस्ती क्यों हैं सर जी? इंडिया का गाड़ी इतनी सस्ती है, वो लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हम खुद नहीं कर रहे, क्या वजह? हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो इस वक्त जो आप वो कह रहे माफिया बैठा हुआ है ना, आप हो, आप बाहर से 100 गाड़ियां मंगवाते हो, ठीक है, आपको पता, आपको हर गाड़ी के ऊपर 20-25 लाख प्रॉफिट मिल जाएगा, गवर्नमेंट को भी 20-25 लाख मिल जाना है, तो गवर्नमेंट भागना ज्यादा देगी, मतलब गवर्नमेंट का भी बुद्धू लगा हुआ है और कंपनी का भी लगा हुआ। दूसरी बात, पेट्रोल भी तो महंगा है, पेट्रोल भी, और भाई लोग यहाँ पे शोशा बड़ी मारते हैं ना, लोग क्या करेंगे, गाड़ी तो ले लेंगे, पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे, ईद की दुकान निकालेंगे। बस यहाँ पे है ना, बाकी मैं सलूट करूंगा कि इंडिया के इन लोगों को, इंडियन गवर्नमेंट महिंद्रा को, महिंद्रा को, कि जो इतनी लॉयल्टी से अपनी आवाम के बारे में, नहीं ख्याल कि हम गाड़ियों के रिएक्शन वीडियोस करते हैं, जितनी भी उनकी गाड़ियाँ उठाई हैं वो काफी सस्ती हैं, 8 लाख 9 लाख मैक्सिमम जो उनकी गाड़ी गई है ना, मतलब फुल लग्जरी गाड़ी, 30 लाख 8 लाख रुपए की गाड़ी है, उससे गवर्नमेंट 20% टैक्स भी लेती है, एक बात है, कितना जा रहा है, 1.5 लाख रुपए जा रहा है, 1.5 लाख एक गाड़ी में जा रहा है, माफिया को बचत देना हो रही है। जब यहाँ की गवर्नमेंट को या वहाँ की गवर्नमेंट को माफिया 20-30 लाख रुपया दे, तो माफिया पे डंडा नहीं डालेगा, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे माफिया राज नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है ऐसी कंपनियों को सपोर्ट करती है, यार आगे आओ गरीबों के बारे में सोचो, मैं तो ये कहूंगा इन शॉर्ट जो है वहाँ की गवर्नमेंट भी गरीबों को सपोर्ट कर रही है, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? सर जी हमारी गवर्नमेंट में एक यूनिटी हो तो फिर ना, 13 जमातें सर जी वो फिर भी यूनिटी नहीं है, हर जमात को अपना बड़ा बता, ये पाकिस्तान अगर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारी दुआओं से चल रहा है, क्योंकि हम मजा करवा रही है, चस करवा रही है, कितनी चस करवा रही है, स्पोर्टी लेवल की चस करवा रही है, मतलब आपकी जो ड्रीम कार है वैसी लग रही है, बिल्कुल। इंटीरियर कैसा लग रहा है इसका? जबरदस्त है यार, जबरदस्त है,
स्पोर्टेज लेवल जो आपका एक क्रश है स्पोर्टेज किया स्पोर्टेज वैसा है। मैं कह रहा हूँ कि लेवल है, मैं बता रहा हूँ आपको फर्निश्ड है यार, अंदर से देखो यार, आगे से लुक V8 की लग रही है, आगे से लुक V8 की लग रही है। क्या लगता है आपको इसकी प्राइस कितनी होगी? यार मेरे ख्याल से तो कोई 80 तक होगी। 80 लाख? हाँ ना। 13 लाख? नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रहा, 13 लाख सही रेट बताएं। क्या कर रहे हैं यार तू, तो मजाक है क्या? मेरा आपका मजाक है यार, गलत है अभी यार 13 लाख यार नहीं बहुत कम। लेकिन पूरी बात सुने ना, इसके अंदर एक ट्विस्ट है, एक मतलब मैंने आपसे थोड़ा सा टिकावा रख के बात किया, ये इंडिया के अंदर पाकिस्तान में। लेकिन यार इंडिया की करेंसी में और पाकिस्तान की करेंसी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? ढाई रुपए का फर्क है पाकिस्तान का, एक इंडिया का एक रुपया पाकिस्तान के ढाई रुपए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी 30-35 के दरमियान बन रहा है इंडिया का अगर कन्वर्ट किया जाए। इतनी महंगी है पाकिस्तान में यार? एक तो पाकिस्तान में ये है कि यार टैक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गए? आप हालात देखे ना मुल्क के किस तरह क्यों बढ़े हैं। आप देखिए अब जो गवर्नमेंट आई है हर चीज में टैक्स, ऑफिस में ना हमारे 22,000 रुपया हमारा बिल है, हम उस दिन बैठ के कैलकुलेट कर रहे थे तो यकीन जानिए 8,000 रुपया उसमें टैक्स है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। 22,000 रुपया बिल है और उसमें 8,000 रुपया टैक्स है, तो गाड़ियों में इम्पोर्ट में इतना ज्यादा टैक्स डाल दिया और मैं कहता हूँ हर चीज छोटी छोटी चीज पे टैक्स। तो मेरी बात है एक इंडियन ब्रांड है जो इंडिया में खुद गाड़ियां बना रहा है, इस वजह से भी गाड़ी सस्ती है। बिल्कुल इस तरह ही है, लेकिन मैं तो अब हम स्टेबल हैं इतने कब नहीं हम इस तरफ चल पड़े। इंडिया स्टेबल है? बिल्कुल, व्हाई नॉट यार, हम तो इकट्ठे आजाद हुए हैं, फिर क्या ऐसी वजह है यार? कुछ पॉलिटिशियंस कुछ आवाम का, इंडिया में भी तो पॉलिटिशियंस हैं, इंडिया में भी तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि उनको फॉर्चुनेटली उनको अच्छे लीडर मिल गए, अच्छे लीडर नहीं मिले, अनफॉर्चुनेटली अच्छे लीडर नहीं मिले। भुट्टो के बाद एक खान साहब एक लीडर आए हैं जो नजर आ रहा है, बाकी 30 साल से लूट रहे हैं बैठ के नूली की और पीपल पार्टी। इंडिया में ऐसा कोई नहीं, इंडिया में देखे ना मोदी किस तरह 2/3 मेजोरिटी के साथ। मोदी जी आई लव यू, आई लव यू। अरे सेकंड नहीं हो रहा, दूसरी दफा आए हैं, बात सुने मेरी, कोई तो उनमें बात होगी ना। बिल्कुल कोई बात सुने, पहले 5 साल में उन्होंने कोई कारकर्दगी दिखाई, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी के साथ आए हैं और बेलोस लगे हुए हैं यार, वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली है, और इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि एक यही गाड़ी है, यहाँ पे 50-100 सैकड़ों गाड़ी ऐसी होंगी जो एक से एक लग्जरी गाड़ी और बहुत ही सस्ते दामों में। ये सारा का सारा फर्क क्यों? ये इसलिए है क्योंकि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होती है, यहाँ पे लोग एजुकेट हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री आती है, यहाँ पे खुद सारी चीज़ें इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यहाँ पर टैक्सेज भी सरकार बहुत कम लगाती है, इसलिए सभी की रेंज तक चली जाती है, गाड़ी इतनी सस्ती होती है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, वहाँ पे तो माफिया लूट है, वहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है कि उसके ऊपर मतलब एक तो एजुकेशन नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे रोजगार नहीं है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, फिर उसके बाद सरकार उसी के ऊपर कमाई भी कर रही है, तो 400% उसके ऊपर टैक्स लगाकर तो अपने आप ही गाड़ियां करोड़ों की हो जाएंगी। अब पाकिस्तान के लोग तो चाहते हैं कि इंडिया से इंडिया में आगे हमें ऐसी ऐसी सस्ती गाड़ियां मिलें, पर क्या कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आगे भी मिलते रहेंगे, तो सच्चे अगर हिंदुस्तानी हो, आपको अपनी इंडिया पे गर्व है, आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय श्री राम लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम।